नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो हमारा YouTube चैनल जितेंद्र मशीनरी कंपनी और मैं हूं आपका होस्ट मनमीत सिंह। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए नए बिजनेस आइडियाज़ देखते रहते हैं और हम आपके लिए नए नए बिजनेस आइडियाज़ लाते रहते हैं। तो आज का हमारा जो बिजनेस आइडिया है वो है नोटबुक रजिस्टर मैनुफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में। दोस्तों, कापी किताब बनाने का जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा डिमांडेबल बिजनेस है, काफ़ी इसकी डिमांड रहती है, सभी जगह काफ़ी ज़्यादा बिकती होती है इसकी। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हम मैनुअल मशीनें लगा के कम पूंजी में कैसे इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं, कम से कम इन्वेस्टमेंट में इसे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे इसमें कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं कि कैसे इस काम को किया जाता है। दोस्तों, ये देख सकते हो कि ये नोटबुक है। दिखने में आपकी सारी इसमें क्वालिटी पे डिपेंड होता है, कैसे क्या आप पेपर यूज़ करते हैं, कैसे क्या इसका फ्रंट टाइटल है, बैक साइड कैसे की यूज़ करते हैं, आपका अंदर वाला पेपर कैसे का है। सारी नोटबुक की जो आपकी मुनाफा है, जो प्रॉफिट है, वो सारा डिपेंड इस चीज़ पे है कि कैसे की क्वालिटी है, क्या आपका ब्रांडिंग है और कैसे इसमें आपने इसका जो इस्तेमाल है, कैसे आपने इसका मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ है। तो सारी नोटबुक डिपेंड ही इसी चीज़ पे होती है। तो चलो हम आप देखते हैं कि इसमें मैनुअल मशीन से कैसे हम इसका काम शुरू कर सकते हैं। पहले समझते हैं कि नोटबुक असल में बनता कैसे है। ये देखो, ये जैसे बाहर का टाइटल है और ये अंदर वाला पेपर है। तो सबसे पहले हमने रॉ मटेरियल लेने हैं दो। ये है हमारा अंदर वाला पेपर, ये हमें चार कॉपी के साइड में मिलता है, जैसे 1, 2, 3, 4, ये चार कॉपी के टाइप में मिलता है। इसको हमने कन्वर्ट करके 2 में लेके जाना है। 2 में लेके जाने के बाद हमारा नोटबुक 2 में तैयार होगा। तो हमने सबसे पहले इसको बीच में से कट कर लेना है या इसको फोल्ड कर लेना है, वो आपकी मर्ज़ी, जैसे आप करना चाहो। फोल्ड करने के बाद हमारा ये 2 में कन्वर्ट हो गया। अभी ये हमारा 2 में कन्वर्ट हो गया, ये सिर्फ अभी पेपर है। पेपर के ऊपर हम टाइटल यूज़ करते हैं, टाइटल भी हमारा 4 में ही मिलता है। इसको हमें कट करना पड़ता है, इसको हम फोल्ड नहीं कर सकते, पेपर को फोल्ड कर सकते हैं। तो हमने जैसे ये टाइटल लिया, 2 कॉपी को 2 में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद इसके ऊपर रख देना, पेपर के ऊपर। जितने पेजेस का हमने नोटबुक बनाना है वो हम पेजेस काउंट करेंगे, 1, 2, 3, इसको हम इजीली काउंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे हमने देखा कि ये दो रॉ मटेरियल हमने ले लिए, पेपर और टाइटल, हमने इन दोनों को काउंट करके रख के, अब मैं काउंटिंग का जैसे तरीका बता रहा था कि काउंटिंग अगर हमने करना हो तो हम 10-12 शीट को इकट्ठा लेके, जितने भी हमने काउंट करने हैं 10-12 बार उनको गिन के रख लिया, उनका अप्रॉक्सीमेट वजन ले लिया कि कितने वजन का हम करते हैं, तो मतलब इतने शीट हम काउंट करते हैं तो इतना का वजन आ रहा है। तो हमने उसका वजन लेके उस हिसाब से वजन करते जाना है, हमें बार बार काउंट करने की ज़रूरत नहीं, जिससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है काउंटिंग करने का और हमारी लेबर भी कम लगती है। तो ये आसान था तरीका, था आसानी से ट्रिक थी जो मैंने बताई आपको। तो इसके बाद हमारा आता है काम इसको पिन करने का। जैसे ये हमारी नोटबुक है, इसको अब हम पिन लगाएंगे तो फिर हमारा जो पेपर और टाइटल साथ में जुड़ेंगे। तो पिन करने के लिए हम यूज़ करते हैं मैनुअल नोटबुक स्टिचिंग मशीन, जो हमारी पैर से चलती है, फुट ऑपरेटेड होती है। आप उसका वीडियो देख सकते हो कैसे होती है, बहुत ही आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है उसमें। मैनुअल स्टिचिंग मशीन का काम ये होता है कि आपने पेपर और टाइटल को इधर रख देना है, सेंटर में रखना है उसके, उसने हम कॉपी को सिर्फ आगे ले जाकर जितनी बार हमने पेन लगानी है उतनी बार हमें पैर से ज़ोर से मशीन को दबाना पड़ेगा तो उतनी बार पेन लगाएगी। मैंने एक पेन लगानी है, एक बार पैर से दबाया, दो पेन लगानी है, दो बार पैर से दबाया, तीसरी लगानी है फिर से दबाया, चौथी लगानी है फिर से दबाया। जितनी बार पेन लगाऊंगा उतनी बार मुझे पैर से ज़ोर से दबाना पड़ेगा, तब पेन लगेगी। और उसका जो मेन पॉइंट ये होता है कि मोटी कॉपी को नहीं लगता। तो ये होती है कि अगर पतली कॉपी बनानी है तो फिर ही चलती है, मोटी कॉपी पे बनाते हो तो एक तो पावर ज़्यादा लगती है, मैन पावर ज़्यादा लगती है और उसमें आपका प्रोडक्शन काफ़ी कम होता है। तो ये हमारा हो गया अभी नोटबुक स्टिचिंग मशीन, फुट ऑपरेटेड और हैंड ऑपरेटेड, ये थी हमारी स्टिचिंग होगी। अब स्टिचिंग हमारी होगी, स्टिचिंग का ये हम देख लेते हैं, सैंपल कोई तैयार है हमारे पास। ये जैसे हमारी नोटबुक पे स्टिचिंग होगी, ये आप देख सकते हो सारे साथ में जुड़े हैं, पेपर और टाइटल, हमने इनको स्टिच कर दिया। ये अंदर देख सकते हो आप पिन लगी हुई है, 1, 2, 3, 4, 4 पिन हमने लगाई हैं, तो 4 पिन इसमें लगी हुई है। तो पिन लगने के बाद हमारा, जैसे आप देख सकते हो, इसमें वेस्टेज काफ़ी बाहर आ रही है। ये वेस्टेज को हमको कट करने के लिए अभी काम आता है पेपर कटिंग मशीन का।
पेपर कटिंग भी हम मैनुअल ले सकते हैं, सेमी ऑटो ले सकते हैं। आज हम मैनुअल के बारे में डिस्कशन करेंगे कि मैनुअल का काम कैसे होता है। मैनुअल हमारा जो करती है उसमें हमारा ये होता है कि हमने कॉपी को लगाना है, उसने हाथ से व्हील घुमाएंगे, हम हाथ से व्हील घुमा के आगे पीछे करके पहले तो कॉपी की सेटिंग करेंगे। कॉपी की सेटिंग होगी, अभी ऊपर से दाब आती है जो कॉपी को प्रेस करती है, उसको भी हम ऊपर से हाथ से व्हील घुमाएंगे तो वो फिर आके नीचे दाब देगी। दाब देने के बाद उसका फिर आता है आपका कि नाइफ होता है, नाइफ को मोटर लगा होता है। नाइफ का पर ये दिक्कत होता है कि उसका लीवर खींचोगे तो फिर आके नाइफ करेगा, उसका हाथ से नहीं घुमाना होता। अगर हाथ से भी घुमाना हो आपने तो उसका मैनुअल भी काम हो जाता है वो आप पे। अगर हाथ से चलानी है सारी बिना बिजली के तो बिना बिजली के भी चला सकती हो। जो पहले वाली मैंने स्टिचिंग बताई वो भी आपका बिना बिजली के चल सकती है। ये दोनों मशीनें जो है, पेपर कटिंग मैनुअल वाली और एक आपकी स्टिचिंग, ये दोनों हाथ से चल सकती है और ये दोनों लगा कर आप इसका काम कर सकते हो नोटबुक का। अभी उसके बाद आता है दाब प्रेस का। दाब प्रेस जैसे आप देख सकते हो, जैसे मैंने कॉपी बनाई, पिन लगी है, कटिंग हुई है, ये कॉपी मेरी थोड़ी सी मतलब फुली फुली है, प्रेसिंग अच्छे से नहीं हुई। इसको प्रेसिंग करने के लिए मैं दाब प्रेस मशीन यूज़ करता हूँ, वो भी हाथ से चलती है। इसमें तीन मशीनों का सेट आता है, एक आता है हमारा स्टिचिंग मशीन मैनुअल, एक होता है हमारा दाब प्रेस मैनुअल और एक होता है हमारा पेपर कटिंग मैनुअल। दाब प्रेस का मैं सीधा सा काम बता देता हूँ। जैसे ये मानो मैंने कॉपी कट करके तैयार कर ली, इनको मैंने मशीन के अंदर रखना है। दाब प्रेस छोटा सा प्रेस होता है, उसके अंदर रख के ऊपर से व्हील लगा होता है, उसको प्रेस करेंगे तो प्रेस करके आपका जो दाब मतलब कॉपी है वो सारी बैठ जाएगी। जैसे ये कॉपी सारी अभी बैठी हुई है, तो बैठने का मतलब ये है कि ये खुल नहीं रही, मतलब आसानी से मतलब लग रहा है कि जैसे चिपकी हुई है साथ में, मतलब एक चीज़ बैठी है और एक चीज़ ये खुली हुई है, तो ये चीज़ को प्रेसिंग अच्छे से कर देता है। तो सारी वीडियोस आप देख सकते हो कैसे काम हो रहा है इसमें। तो ये था नॉर्मल मशीनें कैसे ये काम होता है नोटबुक का, क्या इसमें मशीनें हैं मैनुअल से अगर हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो सेटअप है जैसे हमने अभी देखा, ये मैनुअल का, मैनुअल नोटबुक स्टिचिंग, मैनुअल आपकी पेपर कटिंग और मैनुअल आपकी दाब प्रेस, तो ये तीनों मशीनें आपको जो लमसम 2 लाख के आसपास मिल जाती है, जिसे आप लेके रॉ मटेरियल 50-60 हज़ार का जितने का भी लेते हो, सारी क्वालिटी जैसे का भी आप लेना चाहो वो लेके 50 हज़ार का भी रॉ मटेरियल लेते हो तो 2 से 2.5 लाख के अंदर आपका सारा काम हो जाता है, आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो ये आसान सा काम था, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं था। मैनुअल ही मशीनों से हम इस्तेमाल करके सारी कॉपी बना देते हैं। तो अब हम जानते हैं इसका प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन जैसे ही हम कोई भी कॉपी तैयार करते हैं जिस पे MRP पीछे 15 लिखा है, 25 लिखा है, 35, ये सारा पेजेस के हिसाब से, जितने पेजेस का आपने कॉपी बनाना है उसी के हिसाब से आपका जो है MRP डिसाइड होता है। मान के चलो ये 25 रुपये की जो कॉपी है, तो जैसे नए नए आदमी लोग काम करते हैं उनको पेजेस का नहीं अभी एस्टिमेट होता, तो वो MRP 2-3 लिखवा लेते हैं, जिस वजह से ये होता है कि उनका टाइटल ख़राब नहीं होता। कल को उधर जाके उन्होंने कम पेजेस की कॉपी बनानी हो तो उसी टाइटल को कम में भी यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा पेजेस को बनानी हो तो उसी टाइटल को ज़्यादा में भी यूज़ करते हैं, इसका ये फ़ायदा होता है। तो उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसमें आपका जैसे 25 का MRP लिखा हुआ है, इसमें हम प्रॉफिट की बात करें तो ये जो 25 वाली कॉपी आपकी MRP है ना, ये आपकी बना के सारी 10.5 और 12 के बीच आपकी पड़ेगी, डिपेंडिंग अपॉन पेपर का क्वालिटी कैसे का यूज़ करते हो, आपका पेपर कितने GSM का है, ये सारा उस पर डिपेंड करता है। और उसके बाद टाइटल आप कितना कैसे का यूज़ करते हो, ये आपका बार कैसे का 4 कलर है, 2 कलर है, उसके बाद अंदर वाइट बैक है या आपका ग्रे बैक है, ये सारा उसी पे डिपेंड करता है। जैसे इसका क्लासमेट का ये वाइट बैक है, ये आपका ग्रे बैक है, ये सारा डिपेंड उस पे करता है। जैसे कि आप इसका रॉ मटेरियल यूज़ करोगे वैसे का आपकी कॉपी की कॉस्टिंग पे डिपेंड करेगा। तो ये चीज़ें थी सारी इसमें आपकी प्रॉफिट के बारे में। अभी मार्केटिंग का काम है तो मार्केटिंग आप उधर होलसेलर की दुकानों में जाके सेल कर सकते हो, अपना खुद का ब्रांडिंग करवा सकते हो, आपका मतलब एक ब्रांड बनता है और जिससे आपका मतलब एक बार नोटबुक बिकती है तो चेन सिस्टम शुरू हो जाता है। आपकी क्वालिटी अच्छी है तो नोटबुक आपको मतलब अच्छी देख के तो सेल आउट रेगुलर आपकी डिमांड बढ़ जाती है। तो आपको ये नहीं है कि मतलब जॉब वर्क कर रहे हो या मतलब एक बार आपने कर दिया तो वो काम आपका चला गया। एक बार आपके नाम की कॉपी मार्केट में चली गई, एक ने खरीदी उसकी देख के दूसरा खरीदेगा, वो दूसरे की खरीद के तीसरा देखेगा, ऐसे मतलब आपका चेन सिस्टम शुरू हो जाता है जिससे आपकी डिमांड बढ़ती है। आप क्वालिटी अच्छी रखो और आपका मार्जिन खुद ब खुद इंक्रीज होता जाएगा। शुरू में आप कम पैसे में भी मार्जिन रख के तो काम कर लोगे तो आपका प्रॉफिट मतलब धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपने ज़्यादा प्रॉफिट पर काम करना क्वालिटी अच्छी रख के, क्वालिटी अच्छी रखो आपका मार्जिन कम रखो तो आपका डिमांड जो है अच्छे से बढ़ता है, ये इसका बेसिक फंडा है। तो ये था सारा हमारा प्रोसेस नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग का। मैनुअल से लेके ऑटोमेटिक तक हमने
कैसे काम शुरू करना है, आज हमने मैनुअल के बारे में बताया। अगर ऑटोमेटिक की वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नए नए अपडेट आते रहेंगे, ऑटोमेटिक मशीन के बारे में भी वीडियो आती रहेंगी, तो बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लें कि जब कभी भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता लगे और हम आपको उस वीडियो का भेज सकें। तो ये थी हमारी सारी नोटबुक के विषय में सारी जानकारी, कैसे नोटबुक को बनाना है, कैसे सेल आउट करना है और कैसे इसका मार्केटिंग करना है। तो बहुत ही आसान काम है, आप कहीं पे भी घर पे भी हो या मतलब रेंट पे शेड लेके, तो इसको आसानी से शुरू कर सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है, आसानी से हर कोई शुरू कर सकता है। तो चलो आज की वीडियो में अभी इतना ही, और जानकारी चाहिए हो तो हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि नए नए वीडियोस आते रहेंगे, नए नए बिजनेस आते रहेंगे। अगर ये वीडियो नहीं अच्छी लगी तो तब भी हमें कमेंट करें, अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।